ये तो वो ये बहुत प्यारी है। ये आर्यन क्या देख, हम एक्टिविटी में आए हुए और आर्यन जो आज घोड़े पे बैठेगा। आर्यन आप एक्साइटेड हैं घोड़े पे बैठने के लिए? और हम जो है बादलों के बीच में बैठे हुए हैं। हेलो एवरीवन, आज हम कहाँ आए हैं फ्रेगा? हर जो मेरा कुछ है आर्यन की एक्टिविटी होती है, लेकिन वो अलग किस्म की होती है। आज की एक्टिविटी में था कि घोड़ा सवारी आ रही है, चाहे घोड़े पे सवारी करेगा या फिर उसको इसके साथ जो भी कुछ चीज़ें सिखाएंगे घोड़े के साथ। मुझे नहीं पता क्या क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन अभी जो मैंने देखा है वो ये कि उसको बता रहे हैं कैसे उसको कंघी करते हैं, उसके बालों में कंघी करते हैं, उसके जो जूते होते हैं उनको कैसे साफ़ करते हैं, तो सब चीज़ें आर्यन अंदर कर रहा है। थोड़ा शर्माना था, हम खड़े हुए थे, तो हमने कहा पहले वो मज़े से अपना सीख के और थोड़े वो जो टिप्स वगैरह जो हमें भी नहीं पता तो वो बस सीख लें। मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस कि मैं घोड़े के थे पास की। अब मेरे मेरे घोड़े हैं, उनके पास कितने घोड़े थे? 12। इनके पास टोटल 8 घोड़े हैं। 8 घोड़े हैं इनके पास, बच्चे भी हैं। हाँ, घोड़े के बच्चे भी हैं, लेकिन ये कि उन्होंने बहुत अच्छे से रखे हुए हैं। और इसके अलावा सिर्फ घोड़े नहीं हैं, उन्होंने यहाँ पर मुर्गियाँ और मुर्गे भी रखे हुए हैं। तो ये पूरा एक ऐसा पाकिस्तान गाँव का माहौल होता है, बिल्कुल वैसा माहौल बना हुआ है। और हमारे साथ कौन आया हुआ है? अहिल आया हुआ है। इसमें जो है वो उम्र का वो उन्होंने दिया होता है कि जो 6 साल से ऊपर हों वो बच्चे इन एक्टिविटी में आ सकते हैं। तो आर्यन जो है वो बड़ा है, तो इसलिए आर्यन को उन्होंने एक्टिविटी बन दी है, लेकिन आहिल जो है छोटा है तो उसको इन्हें अंदर जो एक्टिविटी आर्यन, हाँ ये अभी 5 साल का, तो जब आहिल अगले साल होगा तो आहिल भी करेगा एक्टिविटी सारी, है ना? हाँ। देखिए पाँव साफ कर दिए ना। ये सबसे बड़ा घोड़ा है, इसकी उम्र 23 साल है, तो अभी तक इनके पास सबसे बड़ा घोड़ा भी ये है। और ये जो है 17 साल की है, 17 की, जो आर्यन को मिली है, और उसका नाम है थैसा। पक्का के तो 3 एज में है, क्यों पक्का? यार आहिल जो है उसको मौका मिल गया कहीं करने का घोड़े की। ये छोटा है, छोटी है घोड़ी है, और ये 7 साल की है। आहिल मजा आ रहा है, मजा आ रहा है यहाँ पे है। वो बहुत सी उन्होंने मुर्गी भी रखी हुई है, बहुत सी, और एक मुर्गा भी। जी जाए आए थे।
उन्होंने आखिर को मौका दे दिया पहनने का, आखिर भी बैठ गया और सरीना भी बैठ गई। तो सरीना जाए एक साथ के बारे में सरीना ने घोड़ा सवारी भी कर ली है। और बहुत मजा आया घोड़े बैठने का, और इसको बहुत मजा आया घोड़े बैठने का। एक्टिविटी करने के बाद हम जा रहे हैं घर की तरफ। हाँ जी, और ये कि एक घंटे की पूरी एक्टिविटी थी, बहुत ही मज़ा आया। हालांकि वीकेंड पे मुझे फरकान को सुबह सुबह उठा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ना फरकान, वीकेंड में हमें उठना अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब मैंने सुना था कि घोड़ा सवारी है तो मैंने कहा था इस एक्टिविटी में मैं ज़रूर जाऊँगी। और ये बेसिकली जुमरा को होती है, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये उन्होंने कहा था कि हफ्ते को होगी, तो फिर मैंने कहा था कि ओके वीकेंड में जाएंगे। हालांकि फरकान ने पूछा था जाना चाहती है या नहीं, याद है फरकान? मैंने खाली घोड़ा सवारी को सुना था, सैटरडे को था, एक सुबह सुबह था और तो पूरा वीकेंड यानी पूरा हफ्ता काम कर रहे थे। फिर सैटरडे को भी सुबह सुबह उठ के ये घोड़े शाम को नहीं हो सकते पता नहीं स्पेशल सुबह का टाइम कहा था, टी पार्टी हो रही होती है तो सुबह सुबह उठते हैं घोड़े, हम भी उठाते हैं यार। लेकिन ये माहौल अच्छा लगा, ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत पुरसकून जगह। और वो जो जिसके घोड़े हैं वो बहुत अच्छे हो रहे थे, और इसने आखिर को सुनने को भी जो है वो कहा कि अगर मौका है इनके पास है कि बैठने जाए तो बैठ सकते हैं। ओके, अभी हम घोड़े से जाने का नहीं कहते, हमने मुर्गियाँ देखनी है। तब ये मुर्गियाँ यहाँ पर देख रहे हमने पाकिस्तान में काफ़ी मुर्गियाँ देखी हैं, लेकिन ये आर्यन राही का जो है और सरीना का ये नहीं पहला मौका कि वो इतने करीब से मुर्गियाँ देख रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ, तो फिर अब लेते हैं इजाजत। हेलो फिर।